नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना की बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चले कि माननीय सीधी सांसद रीति पाठक जी के द्वारा रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन निर्माण के प्रगति की समीक्षा 30 सितंबर 2022 को की गई। समीक्षा बैठक में सांसद श्रीमती रीति पाठक जी के द्वारा बताया गया कि रीवा सीधी सिंगरौली रेल परियोजना में जिले के प्रगति एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है। इस कार्य में बाधा पहुँचाने वाले लोगों को इसके महत्व के विशेष में समझाइश दी जानी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जाए। यानी कि जो किसान रेलवे का काम बंद करवा रहे हैं, उनको बता दिया गया है कि अगर काम बंद कराते हैं तो पहले उनको समझाइश दी जाए। अगर समझाइश से वो नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। उन्होंने इस कार्य में पुलिस विभाग को भी आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए कहा है। आपको बताते चले कि रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन कार अति शीघ्र पूर्ण हो, ऐसा माननीय सांसद के द्वारा कहा गया है और उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि भू अर्जन का कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जाए, जमीन को रेलवे विभाग को हस्तांतरित किया जाए जिससे कार्य को पूर्ण किया जा सके। इसके साथ ही छूटे हुए रकबों के भू अर्जन के कार्य में प्रगति लाई जाए। विवादित रकबों के संबंध में वास्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए विवादों को निराकृत कराया जाए। सांसद ने यह भी कहा कि रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए बजट का अभाव नहीं है। रेलवे लाइन निर्माण समय सीमा में कार्य पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर नियमित संवाद बनाकर एक टीम की तरह कार्य करने की आवश्यकता है। रेल लाइन का कार्य समय से पहले करना हम सब की जिम्मेदारी है। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि कार्य हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध है, इसका उपयोग करें तथा कार्य में प्रगति लाएं। ऐसी कोशिश की जाए कि रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य अनावश्यक रूप से बाधित ना हो। आपको बताते चले कि जो सिंगरौली के कलेक्टर हैं, उन्होंने जमीन बेचने और खरीदने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है सिंगरौली में। और जो सीधी के जो माननीय कलेक्टर हैं, उनके द्वारा बताया गया कि रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन में जिले के 91 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 90 गांव के भू अर्जन की कार्यवाही पूरी हो गई है। शेष एक गांव बचा है और जो गाँव बचा है वहाँ पर भू अर्जन की कार्यवाही प्रचलन में है। उन्होंने ये भी बताया कि रेलवे विभाग द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर कार्य बाधित करने वालों को समझाइश देकर कार्य फिर से प्रारंभ कराया गया है और आगे भी कराए जाएंगे। आगे भी यदि कोई समस्या आती है तो वो जानकारी साझा कर सकते हैं। माननीय सीधी कलेक्टर के द्वारा ये भी बोला गया है कि ऐसी जमीन जिसका अर्जन किया जा चुका है उस पर कार को रोकने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। उन्होंने समस्त उपखंड अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि जिन जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है वो लोग अब आपत्ति नहीं उठा सकते हैं रेलवे के काम होने में। यानी कि रेलवे का काम प्रभावित किसान अब नहीं कर सकते हैं। अगर काम हो रहा है तो कोई भी किसान अगर रेलवे को काम करने से रोकेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। आपको बताते चले कि रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन प्रोजेक्ट फास्ट प्रोजेक्ट में शामिल है। इस प्रोजेक्ट को हर हाल में 2025 के पहले तक पूरा करना है, क्योंकि माननीय सांसद रीति पाठक जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि 2025 तक ये रेल लाइन परियोजना पूरी तरीके से बन जाए, ताकि इस रेल लाइन परियोजना में ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो सके। और उनके द्वारा ये भी प्रयास किया जा रहा है कि जो किसान नौकरी के पात्र हैं उन किसानों को भी नौकरी रेलवे के द्वारा दिया जाए। फिलहाल आपको बताते चले कि इस रेल लाइन परियोजना में सभी काम किसानों के द्वारा भी रुकवा दिए गए थे। इसी वजह से समीक्षा बैठक 30 सितंबर 2022 को आयोजित की गई। अब शासन प्रशासन हरकत में आ चुका है। किसान भी कई सालों से इंतजार कर रहे हैं कि उनको नौकरी दी जाए। इनमें कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनकी जमीन रेलवे में अधिग्रहित नहीं की गई है, वो सिर्फ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के भी ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है उनके द्वारा अगर कुछ कहा जा रहा है तो एक बात समझ में आती है, लेकिन जिन किसानों की जमीन रेलवे के द्वारा अधिग्रहित की ही नहीं गई, यानी कि जहां से रेलवे लाइन जा रही है वहां पे उन किसानों की जमीन नहीं है, फिर भी वो लोग माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बताया गया है कि सीधी और सिंगरौली में जो मुआवजे में कुछ गड़बड़ी हुई थी, इसी वजह से जमीन खरीदने पर और जमीन को बेचने पर पूरी तरीके से पाबंदी लग चुकी है। अब पूरा फोकस रेलवे पर किया जा रहा है कि इस रेल लाइन परियोजना को अब जल्द से जल्द बनाया जाए। तो इस वजह से जिन किसानों की
अभी तक मुआवजा नहीं मिला था, उन किसानों को मुआवजा वितरण भी शुरू हो जाएगा। यानी कि इस रेल लाइन परियोजना में अब कार में बहुत ही ज्यादा तेजी आने वाली है। तो अब हम आपको लाइव वीडियो बैक टू बैक हमारे यूट्यूब चैनल द रेलवे ज्ञानी पे दिखाने वाले हैं। और नौकरी से संबंधित, मुआवजा से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आती है तो आपको सबसे पहले हम अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।